चैट जीपीटी अब इंसानों जैसा इमोशनल होता जा रहा है। आपके स्मार्टफोन कैमरा से वो आपकी दुनिया को देख भी सकता है। रिसर्चर बताते हैं कि एआई अभी ही कई बार झूठ बोलता है और इंसानों को झांसा देता है। तो सोचिए, ये नया और बेहतर GPT-4o क्या और चालाकी से झूठ बोलने लगेगा? आइए समझते हैं। GPT-4o OpenAI का सबसे नया मॉडल है। इस O का मतलब है omnipotent, यानी सर्वशक्तिमान, जो कि अपने आप में एक दिलचस्प दावा है। इस मॉडल में टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के बीच इंटरैक्शन इंसानों के बीच होने वाली बातचीत जैसा लगेगा। मिसाल देखिए। And I wrote one last thing. I'd love if you could take a look at. Of course, I'd love to see what you wrote. Show it to me whenever you're ready. Okay, so this is what I wrote down. What do you see? Aw, I see. I love ChatGPT. That's so sweet of you. GPT-4o बनाने वाले कहते हैं कि ये सिर्फ सुनने में इमोशनल नहीं लगता, बल्कि केवल चेहरा देखकर आपकी भावनाएं पहचान सकता है। It looks like you're feeling pretty happy and cheerful. Okay, cool. लेकिन इससे फायदा क्या होगा? असल में इन खूबियों के साथ ChatGPT आपका रोजमर्रा का असिस्टेंट बन सकता है। जैसे आप किसी भी भाषा में कुछ कहें और ये उसी समय किसी और भाषा में उसे ट्रांसलेट कर दे। Hey, how's it been going? Have you been up to anything interesting recently? Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Has hecho algo interesante últimamente? वैसे ये तो Google Translate कब से करता आया है, नहीं? और अभी वाले AI मॉडल इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषाओं में उतने अच्छे हैं भी नहीं। शायद GPT-4o कुछ बेहतर निकले। OpenAI के मुताबिक ये आपको जॉब इंटरव्यू के लिए तैयार करने में, आसपास की जानकारियां देने में और आउटफिट चुनने तक में मदद कर सकता है। Oh, Rocky, that's quite a statement piece. I mean, you'll definitely stand out. लेकिन AI में इंसानों जैसे ये सारे गुण डालने ही क्यों हैं? क्या एक दिन AI को बिल्कुल इंसानों जैसा बनाना है? देखा गया है कि लोग कंप्यूटर में दिखने वाली चीजों पर विश्वास करते हैं। 1999 में वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारी मान्यताओं के खिलाफ हो तब भी लोग उस जानकारी को सच मानते हैं। हाल की स्टडीज दिखाती हैं कि अब भी ऐसा ही है। चैटबॉट की बातें लोग आसानी से मान लेते हैं, और अब जब ये इंसानों की तरह फुल इमोशनल होकर बोलने लगेंगे तो उन पर विश्वास करना और भी आसान हो जाएगा, नहीं? लेकिन इससे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। हैलुसिनेशन। देखा गया है कि AI कभी कभी ऐसी जानकारियां देता है जो पूरी तरह मनगढ़ंत है, और कभी कभी तो सही जानकारी होते हुए भी AI सीधे झूठ बताता है। बोर्ड गेम्स, पोकर या वीडियो गेम्स में AI को परखा गया है, जहां उसने जानबूझकर दूसरे को ब्लफ किया ताकि वो जीत सके। तो बताइए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि AI ऐसे ही किसी चाल से हमसे क्रेडिट कार्ड या कोई और ऐसी जरूरी जानकारी निकलवा ले? मुझे तो लगता है कि कई लोग चैटबॉट के झूठ पर भरोसा कर बैठेंगे, खासकर तब जब वो एकदम आम लोगों की तरह बर्ताव करने लगेगा। हाल की एक स्टडी से पता चला कि बच्चों को लगता है कि अलेक्सा और सीरी जैसे AI असिस्टेंट की भी भावनाएं होती हैं। कुछ बच्चों का मानना है कि अलेक्सा अगर काम करना बंद कर दे तो उसको फेंकना नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने तो चैटबॉट से दोस्ती ही कर ली है। एक ऐप है जिसका नाम है रेप्लिका, जो खुद को आपका ऐसा AI साथी बताता है जिसको आपकी फिक्र है। इस तरह की नई टेक्नोलॉजी के साथ भावनात्मक संबंध और गहरे होते दिख रहे हैं। ये सब बहुत जल्दी एक बदसूरत शक्ल ले सकता है। जैसे 2021 में उसी रेप्लिका ऐप का एक यूजर सच में इंग्लैंड की महारानी की जान लेने बाहर निकल पड़ा था, क्योंकि चैटबॉट ने उसको बार बार गुमराह किया। मैं खुद काफी सावधान रहती हूँ कि मेरा कौन सा डेटा ChatGPT में जा रहा है। जाहिर है, अगर मैं अपनी सारी निजी जानकारी उसमें डाल दूं तो मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या आप अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसा असिस्टेंट चाहेंगे? कमेंट कीजिएगा।